जय छठी मैया आज नहाए खाए का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हालांकि आज तो छठ पूजा का समापन हो गया सुबह सूर्य को अर्घ देने के साथ और आज मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ रिलैक्स हुई हूँ दिन भर सबको प्रसाद वगैरह वगैरह बाँट के शाम में बैठी हूँ तो मैंने सोचा अब धीरे धीरे आप लोगों से छठ पूजा स्पेशल ब्लॉग शेयर कर लूँ तो नहाए खाए की तैयारियाँ हमारे यहाँ चल रही है कद्दू भात बनता है ना कद्दू की सब्जी चना का दाल और नया चावल का भात बनता है आज और इस सभी हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं दाल चावल यहाँ अभी सब्जी काट रहे हैं हम लोग बैठ के ऐसे तो हर बार माँ कद्दू काटती थी पर इस बार माँ की तबीयत ठीक नहीं है वो तो मैं हर ब्लॉग में आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि इधर थोड़ा ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो छठ पूजा के बाद फिर हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा और डॉक्टर से बात करना होगा फिर से नहीं तो सारा आप लोग देखते ही होंगे मेरा पहला ब्लॉग आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कद्दू सब्जी जो भी होता था माँ बैठ के काटती थी तो यहाँ किचन में देखिए चावल भी बन रहा है पिंकी हम लोग का सब्ज़ी कट गया है पिंकी यहाँ सब्जी धो रही है और फिर उसके बाद ये चावल है ना नया चावल बहुत जल्दी बन जाता है तुरंत हो जाता है और इसको थोड़ा बड़ा तसला में बनाने से ना अच्छा रहता है पूरा फैल से बनता है और यहाँ देखिए माँ मेडिसिन लेके सो रही हूँ और इस बार मेरा मन बहुत उदास है छठ माँ से मैं बस बस यही प्रार्थना कर रही हूँ बार बार कि हे छठ माँ सासू माँ को फिर जल्दी से पहले जैसा कर दीजिए सच में फैमिली बहुत ख़राब लग रहा है मुझे इस बार माँ को देख के और यहाँ देखिए जो चक्का बचका होता है कद्दू का पकौड़ियाँ हमारे बिहार में मैं हमेशा बोलती हूँ चक्का बचका बोलते हैं कद्दू और ये आलू की पकौड़ियाँ भी बन रही है और यहाँ हमारा दाल भी तैयार हो गया है चना दाल चना दाल में भी कद्दू डालते हैं हम लोग ये सारी तैयारियाँ हो जाएंगी उसके बाद फिर ऐसे तो सुबह एक बार पूजा हो गई फिर से एक बार पूजा करके मैं बैठूँगी कद्दू का भात का नहाए खाए करने जिसको नहाए खाए बोलते हैं देखिए यहाँ नहाए खाए के लिए मैं बैठ गई हूँ और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना कि हमारे घर में छठ पूजा का गीत बज रहा है तो इसीलिए मुझे पूरे ब्लॉग में वॉइस ओवर और म्यूज़िक का सहारा ही लेना पड़ेगा कहीं कहीं गाना नहीं बजेगा तो आप आवाज़ सुन पाइएगा तो अभी सूर्य भगवान छठ माँ के नाम से देखिए हम लोग निकाल लेते हैं खाने से पहले जो भी आज का खाना होता है ना उनके नाम से निकाल लेते हैं फिर उन्हें जल अर्पण करते हैं पांच बार इस तरह से घुमा के जल अर्पण करते हैं उसके बाद होता है नहाए खाए और जब मैं खा लूँगी तो ये प्रसाद घर में सभी खाएंगे और जिन जिन के यहाँ छठ पूजा नहीं हो रहा है ना हमारे जितने भी क्लोज हैं तो उनके यहाँ ये प्रसाद जाता है कद्दू भात जाता है आज तो फिलहाल तो यहाँ मैं कर रही हूँ छठ पूजा का नहाए खाए और मैं फिर से बता दूँ आपको आज नहाए खाए का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ फिर और भी ब्लॉग्स आपसे शेयर करूँगी जैसे खरना पहला अर्ग दूसरा अर्ग सारे ब्लॉग शेयर करूँगी यह माँ पापा भी खाने बैठ गए हैं आज का प्रसाद माँ पापा भी खा रहे हैं देखिए और इसके बाद जितने भी आएंगे मेरा भाई भी आया था मतलब जैसे बता ही रही हूँ जितने भी क्लोज सभी आते हैं हैप्पी के दोस्त वगैरह सभी आते हैं और सभी आके ये प्रसाद खाते हैं और मैं फिर बोल रही हूँ कि इस बार छठ छा, माँ से बस यही प्रार्थना है पहले जैसी माँ हो जाए घर के बुजुर्ग अगर स्वस्थ रहते हैं ना तो पूरा परिवार भी मतलब पॉजिटिव रहता है हर तरह से और इनको कुछ होता है ना तो पूरा घर का माहौल ही उदास हो जाता है छठ तो तो पूजा का पहला प्रसाद तो यही ना हुआ ये

भाभी बोलेगी क्या एक है हनी क्या थी? वो आए हमारे घर ये खुदा की इनायत है कभी हम उन्हें कभी अपने घर को देखते मां हसीये वहां देखिए सुशांत और राजवीर सुशांत आइए बेटा इतने स्मार्ट लग रहे लगा के, आप आइए ना इधर और यहाँ पिंकी चाय बना रही है सबके लिए अदरक डाल दो देवरानी एकदम आज भर चाय पिला दो कड़के तो। एकदम <laughs> उसके बाद तो सीधे पारण के दिन हाँ, फिर सीधे पारण हो गए अदरक वाली चाय और प्याज की पकौड़ी से शुरुआत होती है पहले तो खैर गरम पानी और सूप वाला अदरक खाया जाता है अदरक और गुड़ हाँ जब से माँ गुजरी है ना सुनील जी की यानी हमारी माँ वो तो मैंने ब्लॉग शेयर किया ही था आप लोगों से तब से सुनील जी उदास हो गए हैं पहले बहुत हंसते थे खिलखिलाते थे बोलते थे पर इस बार आए थे ना उदास जैसे थे तो जानबूझ के मैं कुछ कुछ बोल के उन्हें हंसा रही थी और साथ में माँ बैठी थी तो माँ को भी हंसा रही थी मैं और यहाँ हम लोग सबको शाम की चाय पी रहे हैं हालाँकि मेरी चाय अलग बनी है आज से सब कुछ अलग बनेगा मेरा कल से तो फास्ट रहता ही है तो पिंकी ने मेरे लिए अलग से चाय बनाया था सबके लिए चाय बना हुआ है और मेरे भगना है ना हनी देखिए ये भी आए हैं अपनी वाइफ के साथ दोनों जॉब करते हैं बहुरानी भी जॉब करती है हनी भी जॉब करते हैं मैं खरना वाले ब्लॉग में बहुरानी से आप लोग को मिलवाऊंगी तो ये लोग खास करके छठ पूजा के लिए आए हैं ये लोग छुट्टियां बचा के रखते हैं अपनी कि हम लोग छठ पूजा में जाएंगे तो अभी हनी भी आए हुए हैं और यहाँ सबकी बातचीत चल रही है अभी रात के साढ़े ग्यारह बज रहे हैं और मैं जहाँ पूजा करूँगी नागरू में वहीं सोई हूँ देखिए <coughs> और जैसा कि मैंने बताया ही है बहुत जोर कोल्ड हो गया है मुझे उसी का असर है आवाज़ वगैरह ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को और मेरे साथ देखिए कौन सो रहा है मेरी रुनकी झुनकी बेटी सो रही है मेरा राजवीर सो रहा है ये पैर हाथ धो के कपड़ा चेंज करके आया है सोने की बड़ी मम्मी के साथ ही सोएंगे लिया सुन पे और मेरी प्रार्थना रहेगी कि छठ माँ का आशीर्वाद सबको मिले और हाँ मेरी सासू माँ जल्दी से ठीक हो जाए बस आज छठ पूजा का दूसरा दिन है यानी खरना आज रात में खीर बनेगा प्रसाद बनेगा खरना का तो सुबह से ही तैयारियां हो रही हैं तो पापा यहाँ देखिए आगे धो रहे हैं मैं जैसा बताती हूँ कि ये महापर्व है तो सबके सहयोग से ही होता है और यहाँ हैप्पी देखिए बगल वाले चाचा जी रहते हैं ना उनके यहाँ से मिट्टी लाने गया है ये मिट्टी थोड़ा सा चूल्हा में लगाएंगे और जो अपना बर्तन चढ़ाते हैं ना चूल्हे पे स्टील वाला बर्तन तो उसमें लेवा पीछे लगाते हैं यानी इस मिट्टी को जो पीछे लगाते हैं उसको लेवा लगाना बोलते हैं इससे क्या होता है ना चूल्हा पे बर्तन चढ़ता है तो जो कालिक बैठती है ना वो आसानी से छूट जाती है तो यहाँ पूजा के बर्तन भी धो रही हूँ देखिए और हैप्पी की रिकॉर्डिंग हो रही है सब बोल रहे हैं कि आज तो आपको ब्लॉग में आना ही होगा तो मैंने देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कहीं भी नहीं बोला कि हाँ माँ मुझे मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कुछ भी ये चुपचाप हंस रहा था और अपना काम कर रहा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ मेरी भगनी अनंता देखिए ईंट धो रही हैं इसी पे हम लोग प्रसाद बनाएंगे इसी ईंट पे मिट्टी लगा के ना प्रसाद बनाएंगे हम लोग तो अनंता भी सु मैंने सारे बच्चे घर के यहाँ तक कि राजवीर सुशांत सारे बच्चे एक उत्साह होता है ना छठ पूजा का इन लोगों को बहुत मन लगता है अनंत अनंता हमेशा बोलती हैं छठ पूजा कब है मामी आ, मैं आऊँगी मुझे बहुत अच्छा लगता है तो अनंता भी सुबह उठ के नहा चुकी हैं और यहाँ देखिए जो भी काम मतलब इनको लग रहा है कि ये कर सकती हैं तो देखिए ईंटा के रख रही हैं मतलब तो सारे बच्चे घर के लगे हुए हैं सुशांत राजवीर बहुत छोटे हैं वो लोग चाहते हैं करना पर मैं डर से मना कर देती हूँ कि नहीं तुम लोग अभी मत करो और यहाँ देखिए गुड़ ये गुड़ की खीर बनेगी ना और गुड़ का ठेकुआ भी बनेगा तो यहाँ पे हैप्पी और एक अंशु है हैप्पी के दोस्त हैं हमारे मोहल्ला में ही रहते हैं बहुत अच्छा लड़का है ये हर छठ में तीन साल से मैं छठ कर रही हूँ ना ये आ जाते हैं हेल्प करने के लिए तो अंशु भी आए हुए हैं और अनंता भी बैठी हुई है और तीनों मिलके मतलब ये सात के जी गुड़ था तीनों मिलके सारा गुड़ तोड़ दिए मतलब चूट दिए खल मुसल में फिर इसको हम लोग फूलने डाल देते हैं ना फिर उसी से ठेकुआ बनता है तो यहाँ देखिए हैप्पी बैठा पहले हैप्पी ने शुरुआत किया फिर अनंता ने किया फिर थोड़ी देर बाद अनंता ने किया फिर उसके बाद अंशु बैठे यहाँ करने के लिए और मुझे ये लोग कुछ नहीं करने दे रहे थे कि किप्पी बैठा मम्मी तुम बस बताते जाओ कैसे कैसे करना है देखिए अंशु भी बैठ के तोड़ रहे हैं तीनों बच्चे ने मिल के बहुत संभाला सब ने पिंकी उधर संभाली हुई है जैसे मैंने बताया है कि शालू जी आते हैं तो बहुत है मिल जाती है तो सब ये ऐसा पर्व है ना मुझे लगता है ना परिवार को एकदम जोड़ देता है ये सभी को जोड़ देता है तो सब कुछ ना कुछ मतलब आप जिस घर में छठ पूजा होगा ना वहाँ अगर आप जाइएगा तो कोई ऐसा जो भी करने लायक है बच्चों को तो छोड़िए जो भी काम करने लायक है कोई भी आपको बैठा हुआ नहीं दिखेगा सब कुछ न कुछ करते रहते हैं तो इस बार तो मैं बता ही रही हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो माँ भी कुछ ना कुछ जो उनसे होता था वो करती थी तो अभी यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग भी यहीं ख़त्म करूँगी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में यानी खरना वाले ब्लॉग में तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिएगा जो नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मिलते हैं खरना वाले ब्लॉग में बाय एंड टेक केयर जय छठी मैया